भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको 16 सोमवार की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार 16 सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आपके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं भोले बाबा अवश्य ही पूर्ण करें। तो आज हम आपको 16 सोमवार की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए महाकाल राजा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। तो भक्तजनों, आज हम आपको 16 सोमवार की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। 16 सोमवार का पूजन अर्चन सर्वप्रथम संपन्न करना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। 16 सोमवार का जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करती है उनको श्रावण के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। उस दिन प्रातः काल जल्दी उठना है, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद अपना नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके संकल्प धारण करना चाहिए। हालांकि इस कार्य को आपको प्रदोष काल यानी शाम को 3 से 6 के मध्य करना चाहिए। और सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ को जो है पूजन अर्चन, जैसे पहले वीडियो में बताया है उसी विधि से आप पूजन अर्चन करें। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को सब सामग्री अर्पण करने के बाद में कथा का श्रवण करें। 16 सोमवार का जो व्रत है वैसे तो चूरमा के माध्यम से किया जाता है। आप चाहें तो लौंग से कर सकते हैं, बिल्व पत्र से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं या अन्य कोई भी पदार्थ की प्रतिज्ञा करके आप 16 सोमवार का व्रत धारण कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार का जो व्रत करते हैं उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन बैंगन का उपयोग नहीं किया जाता है, मूली का उपयोग नहीं किया जाता है तथा भोजन में मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं किया जाता है तथा कच्चा दही या सीधा सीधा दही नहीं खाया जाता है। पंचामृत के माध्यम से जो दही तैयार होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। यदि आप किसी एक वस्तु की प्रतिज्ञा करते हैं तो वही वस्तु आपको सेवन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि आपके शरीर की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। जिस प्रकार आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए और निरंतर 16 सोमवारों तक व्रत करने के पश्चात आपको 17वें सोमवार के दिन ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और बड़े से बड़ा संकट भी इससे समाप्त हो जाता है। जो भी इच्छाएं होती है, संतान की इच्छा, धन की इच्छा, विवाह की इच्छा, परिवार में सुख शांति समृद्धि की इच्छा या नए घर की इच्छा, नए वाहन की इच्छा या जो भी इच्छा होती है वो 16 सोमवार का व्रत करने से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और 16 सोमवार का व्रत करने के पूजन के पश्चात आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक अपनी हैसियत या श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए और भगवान की आरती करके ही शाम के समय व्रत को खोल लेना चाहिए। तो अब हम आपको 16 सोमवार की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं।
इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए भोले ईश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में भगवान पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी और वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान भोलेनाथ कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके मनोविनोद करने की इच्छा से प्रश्न करने लगी कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और भोलेनाथ तथा माता पार्वती वहीं पर चौसर खेलने लगे। उस समय इस मंदिर में जहां पर चौसर खेल रहे थे वहां का पुजारी पूजा करने के लिए आया। माता ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में यानी हम दोनों पति पत्नी जो चौसर खेल रहे हैं उसमें किसकी विजय होगी। पुजारी जी बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठे कि महादेव जी की विजय होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हो गई तो पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के सारे शरीर में कोड़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह कष्ट पाते पाते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शंकर जी का पूजन करने के लिए उस मंदिर में आई और पुजारी के कोड़ के कष्ट को देख करके बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन अप्सराओं को बता दी। तब अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को अवश्य ही दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार यानी 16 सोमवार का व्रत करो। उसको भक्ति भाव के साथ में करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। पुजारी अप्सराओं के आगे हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ में व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधे सिर अच्छे बिने हुए स्वच्छ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनावे और उसका चूरमा तैयार करे। चूरमे में घी गुड़ इत्यादि सामग्री मिला करके अच्छी प्रकार से तैयार करे और भगवान के सामने शिव मंदिर में जाकर के और उस चूरमे को ले जाकर के नैवेद्य लगाएं। पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का विधिवत पूजन करें। उसके बाद अंगाओं में जो आपने 3 अंग किए थे उसमें पहला भाग तो भगवान शिव जी को अर्पण कर दे और दूसरा जो भाग है वह प्रसादी समझ करके भक्तों में बांट देवे या गाय को बैल को खिला देवे और तीसरा जो भाग है स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। जब 16 सोमवार व्यतीत हो जाए तो 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना करके उसमें घी और गुड़ मिला करके चूरमा बनाए और शिव जी को भोग लगा करके उपस्थित भक्तों में बांट देवे। पीछे आप पूरे परिवार के साथ में प्रसाद ग्रहण कर लेवे। इसके बाद भगवान शंकर आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वो अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। उस पुजारी ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब पुजारी को निरोग देख करके पुजारी ने माता पार्वती और शंकर जी को प्रणाम किया और माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि तुम इस प्रकार जो है कोढ़ी हो गए थे और इस कोढ़ से तुम्हें मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछ करके व्रत करने को तैयार हुई, जिससे उनके जो रूठे हुए पुत्र कार्तिक स्वामी थे स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए।
कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई तो माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मान आपकी ओर आकर्षित हो गया, अर्थात मैं आपकी ओर आ गया और आपसे प्रेम करने लगा। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार का व्रत की विधि उनको बताई सुनाई और कथा सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है और उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया, उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिक स्वामी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में यह सब संग्राजित हतनी माला डालेगी उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी महाराज की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हतनी आई और उसने जय बाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ में कन्या का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ में कर दिया और उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन वैभव सम्मान देकर के वहां से विदा कर दिया गया। विप्र सुंदर कन्या को पा करके सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हतनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके आपको वरण कर लिया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक स्वामी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया है और उसी पुण्य के प्रताप से मुझे तुम्हारी प्राप्ति हो चुकी है। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। 16 सोमवार के व्रत की महिमा को सुनकर के राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका पालन भली भांति करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न करने लगा कि हे माता, आपने कौन सा तप किया है, कौन सा पुण्य किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपने अपने गर्भ से प्राप्त किया है। माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर के उसको एक राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा का कोई भी पुत्र नहीं था इसलिए इसको घर जमाई बना करके वहां राजा बना दिया गया। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा रानी से पूजन सामग्री लेकर के शिवालय चलने को कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सभी सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और स्वयं नहीं गई। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को तुरंत महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। इस प्रकार की वाणी को सुनकर के राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में जाकर के अपने सभासदों को बुला करके पूछने लगे कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को अपने महल से बाहर निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य प्राप्त हुआ है उसी को बाहर निकालने का यह षड्यंत्र रच रहा है, यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने किसी की बात को नहीं सुना, नहीं माना और अपनी रानी को अपने महल से बाहर निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर गई।
बिना चप्पल जूते पहने फटे वस्त्र पहने हुए भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर के एक नगर में पहुंची। वह एक बुढ़िया सूत काट करके बेचने का काम करती थी। रानी की करुण दशा को देख करके वह बोली कि चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूं, भाव ताव नहीं जानती हूं। इस बात को बुढ़िया की सुनकर के रानी ने सूत की गठरी उतार करके अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर में गई। तेली के घर में जैसे ही पहुंचती है सारे मटके उसके टूट गए, फूट गए, चटक गए। इस प्रकार तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस तरह रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के किनारे पर गई तो उस नदी का पूरा जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतर करके पानी पीने की इच्छा से आगे बढ़ती है। उसके स्पर्श से ही उस सरोवर का नील कमल में हजारों करोड़ों कीड़े भर गए। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करते हुए पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिरते जाते और वह पेड़ पूरा मुरझा जाता। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा को देख करके उस वन के ग्वालों ने अपने गौओं को चारा और पानी न मिलता देखकर बड़े दुखी भाव से सब कटा उस जंगल में जो गुसाई जी निवास करते थे उनको जाकर के सुनाई। ग्वाले रानी की को लेकर के गुसाई जी के पास पहुंच गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख करके गुसाई जी जान गए यह स्त्री अवश्य ही विधि की मारी है, गति की मारी है, कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच करके पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में निवास करो, तुमको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। गोसाई जी के ऐसे वचन को सुनकर के रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में निवास करने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। गोसाई जी रानी की इस दशा को देख करके बड़े दुखी हुए। रानी से बोले कि हे बेटा, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है, किस पाप की सजा तुझे प्राप्त हो रही है जिसके कारण तेरी ऐसी दशा हो गई है। पुजारी जी की बात को सुनकर के रानी ने शिव जी की पूजा का अपमान करने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि रानी तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का विधि विधान से व्रत करो, उसके प्रभाव से सारे कष्ट तुम्हारे मुक्त हो जाएंगे। गुसाई जी की बात को सुनकर के रानी ने विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे मुझे ढूंढना चाहिए। यह सोच करके रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में राजा ने दूत भेजे और वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में निवास करती है वह और कोई नहीं, स्वयं मेरी पत्नी है और मेरी महारानी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसका परित्याग कर दिया था, अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसको लेने के लिए आया हूं, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी की आज्ञा को पाकर रानी राजा के साथ महल में गई और घर घर में मंगल गान होने लगे। विविध मंत्रों के उच्चारण वहां विद्वान पंडितों के मुखार विंद से होने लगे। राजा रानी का अच्छी प्रकार से स्वागत सत्कार किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर के संतुष्ट किया। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो गया। राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार से वह भगवान शंकर जी का विधिवत पूजन अर्चन करने लगा और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उनको सभी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ और अंत समय में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्राप्त करते हुए शिवलोक को प्राप्त हो गए।
बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति नायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महादेव, हर ढांगी धारा ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव, त्रिगुणा स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोले नाथ महादेव, हर ढांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप 16 सोमवार के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके 16 सोमवार का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।